अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज टूर करेंगे 10 मरला हाउस फॉर सेल ऑन कैश बहरिया फेज 8 सेक्टर F81 को ले चलता हूँ इसकी कॉर्नर वाली साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं इसकी कॉर्नर वाली साइड पे। कॉर्नर वाली साइड पे गेट दिया गया है और साथ में आपको इसका थोड़ा विजिट करवा देता हूँ। इस साइड पे ये गेट दिया गया और इस गेट की यहाँ पे जो इसका रैंप देख रहे हैं, इस रैंप पे आप एक ऑटो वाल्टो खड़ी कर सकते हैं, मेहरान खड़ी कर सकते हैं और बैक साइड पे इसका बुलेवार्ड। व्यूअर्स, कॉर्नर वाली साइड पे यहाँ पे इसका कारपेट रोड 60 फीट स्ट्रीट है। टोटल रॉक वाल वर्क किया गया कॉर्नर वाली साइड पे और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं लश ग्रीन गार्डन एरिया, काफ़ी स्पेस है इसमें ना। ऊपर 3 विंडो दी गई हैं, नीचे वाली आप देख सकते हैं 5 से 6 विंडो दी गई हैं और रॉक वाल वर्क किया गया। तो व्यूअर, सबसे इसमें मज़े की बात, कॉर्नर पे आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है जहाँ पे ये इसका लॉन बना हुआ है, गार्डन एरिया। तो यहाँ से थोड़ा आपको व्यू करवाता चलूँ। इस साइड पे 2 आप देख सकते हैं सर्कल टाइप में यहाँ पे विंडो दी गई हैं नीचे और रॉक वाल वर्क किया गया है। और ऊपर फ्रंट एलिवेशन में टोटल रॉक वाल वर्क किया गया है, जिसमें इस साइड पे आप देख सकते हैं एक विंडो लगाई गई है, 2 विंडो दी गई हैं इस साइड पे सामने। अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये घर पसंद आएगा। मेन डोर, मेन गेट इसका आयरन रॉड से बना हुआ है। स्ट्रीट व्यू 60 फीट कारपेटेड स्ट्रीट। कार रैंप पे आप यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, सामने इंटर होते हैं इसके मेन गेट से। मेन गेट इसका आयरन रॉड से बना हुआ है गोल्डन और ब्लैक कलर में विदाउट स्लाइडिंग। कार पोर्च के एरिया में यहाँ पे 2 सेडान गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, मार्बल यूज़ किया गया है। और इस साइड पे यहाँ पे इसका आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करके लॉन, सामने 2 सर्कल में आप देख रहे हैं विंडो दी गई हैं। इस साइड पर इसकी सेफ्टी ग्लेस डबल ग्लेस विंडो दे दी गई है, सामने इसके 2 डोर ड्राइंग रूम का और मेन एंट्रेंस का। साथ ही यहाँ पे चकवाल की स्टोन यूज़ की गई है, ऊपर 2 लाइट दी गई हैं, सीलिंग में सिंपल स्पॉट लाइट बैक लाइट यूज़ की गई है। तो व्यूअर्स, यहाँ से आपको ले चलता हूँ गैलरी वाले एरिया में। साइड पे आप देख सकते हैं वॉल पे टोटल राख पर वर्क किया गया है, नीचे मार्बल यूज़ किया हुआ है और लाइट दी गई हैं। यहाँ पर आ गए हैं जिसके हम बैक साइड पर, सामने ये यहाँ पे इसका कॉर्नर वाला डोर। यहाँ से इसका विज़िट बाद में मैं आपको करवाऊँगा जब हम इधर से आएंगे। बैक साइड पे यहाँ पे अगर आते हैं तो सामने बुलेवार्ड और स्टेयर ऊपर सर्वेंट रूम के लिए। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम वापस, मेन डोर से इंटर होते हैं। व्यूअर्स, ड्राइंग रूम का डोर और मेन डोर ग्लास वर्क किया गया, जिसमें आयरन यूज़ किया गया और वुड वर्क 8 फीट हाइट डोर दिए गए हैं। यहाँ से मेन डोर से जो ही इंटर होते हैं, इस साइड पे पाउडर रूम, सामने वॉलपेपर लगाया गया। बिल्कुल सामने आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसका किचन, साथ ही यहाँ पे इस साइड पे आते हैं यहाँ पे एक बेडरूम, सेकंड बेडरूम, साइड पे इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में सबसे पहले इंटर हो जाते हैं, वुड वर्क किया गया आप देख सकते हैं, खूबसूरत 8 फीट हाइटेड इसके डोर दिए गए हैं। वॉल पे ऊपर देख सकते हैं खूबसूरत वॉलपेपर लगाया गया, 2 साइड पे विंडो दी गई हैं, नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर प्लेस दी गई है, सीलिंग में स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, अल अहमद कंपनी के फ़ैन इस्तेमाल किए गए हैं, बैक लाइट यूज़ की गई है। इस साइड पे लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है। पूरी वॉल पे ड्राइंग रूम में वॉलपेपर, इंपोर्टेड वॉलपेपर डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे अगेन ड्राइंग रूम का डोर, इसमें आयरन ग्लास और वुडवर्क किया गया। व्यूअर्स, इस साइड पर नीचे आप देख सकते हैं वॉल पर खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया और यहाँ पर सामने इसका मेन डोर। इस डोर से बाहर साथ ही यहाँ पे टीवी लाउंज, सामने टीवी लाउंज में मीडिया वॉल, वुडवर्क किया गया है।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये जो आप केबिन नज़र आ रही है, यहाँ पे इसका ये मर्करी ग्लास यूज़ किया गया और इम्पोर्टेड यहाँ पे वॉलपेपर लोअर्स बनी हुई हैं, वुड वर्क किया गया। ऊपर अगर देखते हैं तो दो लाइट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लाइट दी गई हैं। तो व्यूअर्स सीलिंग में शैंडिलियर साइडों पे अल अहमद कंपनी के दो फैन दिए गए हैं, बैक लाइट यूज़ की गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। इस साइड पे इसका किचन, साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा व्यू करवाता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल पे एक खूबसूरत लैंप और इम्पोर्टेड वॉलपेपर। बेडरूम में एंटर हो जाते हैं, सामने यहाँ पे लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है, ऊपर वॉल पे दो लैंप लगाए गए हैं, अल अहमद कंपनी का फ़ैन, सीलिंग स्पॉट लाइट और बैक लाइट यूज़ की गई है। तो इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे इसका 8 फिट हाइटेड डोर दिया गया है, बहुत ही अच्छे डोर दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये लोअर्स बनी हुई हैं, ग्रूव्स बनी हुई हैं और काफ़ी खूबसूरती आ रही है। सेम डिज़ाइन में इसका वॉशरूम का डोर, टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करके यहाँ पे वॉशरूम का शावर एरिया सेपरेट किया गया है, मोज़ेक की टाइल यूज़ की गई है, कंसील्ड शावर एरिया इसका मिराची कंपनी का, यहाँ पे कमोड मोज़ेक की टाइल कंसील्ड। और इस साइड पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एलईडी मिरर दिया गया, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक यहाँ पे टाइल यूज़ की गई है। इस साइड पे यहाँ पे फ्लोर से लेकर सीलिंग तक स्लाइडिंग वार्डरोब दी गई है, हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है, जिसमें व्यूवर्स यहाँ से सामने ही जो ही हम इस साइड पे इसका एक बेडरूम इसका चलें, यहाँ से इसकी दो निश दे दी गई हैं जिसमें इम्पोर्टेड वॉलपेपर यूज़ किया गया, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्विच दिए गए हैं, साथ इंटर हो जाते हैं इसके बेडरूम में। व्यूवर्स वॉल पे खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया, लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है, सामने खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, इम्पोर्टेड वॉलपेपर लगाया गया है, ऊपर दो लैंप दिए गए हैं, सीलिंग में बैक लाइट सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई, अल अहमद कंपनी का फ़ैन यूज़ किया गया है। इस साइड पे इसका वॉशरूम में एंटर होते हैं, वॉशरूम में यहाँ पे देख सकते हैं मोज़ेक की टाइल यूज़ करके इसका शावर एरिया सेपरेट किया गया है, टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करके, ऊपर सीलिंग में बैक लाइट यूज़ की गई है, एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे एक विंडो दे दी गई है और साथ ही इस एरिए में इसका कमोड मिराची कंपनी का कमोड सीलिंग कंसील्ड इसका कमोड है, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक इसमें टाइल यूज़ की गई है, वेंटी सेटअप एलईडी मिरर दिया गया, फ्लोर से लेके सीलिंग तक इसकी वार्डरोब हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है और यहाँ पे इसका एलईडी मिरर। व्यूअर्स साथ ही हम इस साइड पे आ जाते हैं, इसके किचन का व्यू करते हैं। व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत ओपन किचन दिया गया, इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बेडरूम के साथ ये लोअर्स बनी हुई हैं, वुड वर्क किया गया, प्लांटर इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ पे इस साइड पे इसका ओपन किचन दिया गया, बर्नर शेल्फ पे यहाँ पे टाइल यूज़ की गई है, ऊपर इसका किचन हुड दिया गया। इस साइड पे नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पे इस साइड पे तो यहाँ पे हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है, यहाँ पे वुड पैनल यूज़ किया गया इस साइड पे। और व्यूअर्स साथ ही साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसका ओवन इंस्टॉल है, ग्रिल ओवन और दूसरा ओवन, और इस साइड पे यहाँ पे इसकी सिंक के साथ बैक साइड पे विंडो दी गई है और विंडो के साथ ही यहाँ पे ब्लाइंड चेक कर सकते हैं। टाइल इस शेल्फ पे भी आपको टाइल मिलेगी, सेंटर में यहाँ पे मोज़ेक की टाइल यूज़ की गई है, कैबिनेट्स ऊपर यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही वुड वर्क किया गया है, हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है कैबिनेट्स में, ब्राउन कलर में बहुत ही सॉफ्ट ये आप देख सकते हैं क्लोज हो रही है, और नीचे वाली जेट ब्लैक कलर में दी गई है, हाई ग्लास शीट यूज़ की है कैबिनेट्स में। यहाँ से बाहर का सामने डोर आ गया, कॉर्नर का डोर, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं सामने इसका आयरन राड यूज़ किया गया गेट में, कॉर्नर वाले गेट पे, बैक साइड पे बुलेवार्ड है। तो व्यूअर्स चलते हैं ऊपर स्टेयर की बात करें,
एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे लाइट दी गई है, यहाँ पे आयरन यूज किया गया है जेट ब्लैक कलर और सॉरी आयरन के ऊपर अगर ये आप देखते हैं तो ये यहाँ पे वुड वर्क किया गया है और आयरन राड यूज की गई है। सामने यहाँ पे एक विंडो दी गई है, विंडो के सामने यहाँ पे इम्पोर्टेड वॉलपेपर लगाया गया है। 4 फीट वाइड यहाँ पे स्टेयर्स ग्रेनाइट यूज किया गया, सामने यहाँ पे विंडो दी गई है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू मिलता है बाहर कॉर्नर वाली साइड पे। मैं आपको दिखाता चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर वाली साइड पे आपको बुलेवार्ड की बैक साइड पे यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा टेरेस दे दिया गया है। सामने स्टेयर्स ऊपर, इसका बाद में आपको व्यू करवा देता हूँ। और इस साइड पे हम इंटर हो गए हैं जी, यहाँ पे मैं थोड़ी लाइटें ऑन कर देता हूँ। सेम इस साइड पे इसका ओपन किचन दे दिया गया, इसी तरह नीचे इसका किचन था। सेकंड बेडरूम मैं शुरू कर लेता हूँ, यहाँ से हम जो ही इंटर होते हैं राइट साइड पे इसका किचन आ गया, लेफ्ट साइड पे इसका बेडरूम, सेकंड बेडरूम और सामने थर्ड बेडरूम और इस साइड पे इसका टीवी लाउंज का एरिया। शुरू कर लेते हैं यहाँ से किचन से। किचन में आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर ब्राउन कलर में कैबिनेट्स और नीचे जेट ब्लैक कलर में। इस साइड पे ब्लाइंड हैंग किए गए हैं, सिंक दिया गया है और शेल्फ पे टाइल यूज़ की गई है, बेट्रो कंपनी के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं बर्नर और हुड किचन। वुड वर्क किया गया ऊपर वाली कैबिनेट्स में, नीचे वाली कैबिनेट्स जो हैं यहाँ पे आपको हाई ग्लास शीट यूज़ करके, सामने वाशर मशीन। व्यूअर्स साथ ही ये जो लोअर्स आप देख रहे हैं ये वुड वर्क किया गया और इस यहाँ पे सामने इसका टीवी लाउंज, लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है। मज़े की ये बात है कि इस घर में आपको बहुत सारी विंडो मिलती हैं और वेंटिलेशन पर्पज के लिए आपको यहाँ से बाहर आप जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, कॉर्नर वाली साइड से आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये आप विंडो की स्पेस देख सकते हैं। इंटर हो जाते हैं दोबारा हम टीवी लाउंज में। तो व्यूअर्स फ्लोर पे एस अब्दुल्ला कंपनी की टाइल यूज की गई है, ऊपर शैंडिलियर दो हैंग किए गए टीवी लाउंज में, अलहमद कंपनी का फैन, बैक लाइट यूज की गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज की गई है, वॉल पे इंपोर्टेड वॉलपेपर डिजाइन किया गया, इस साइड पे इसकी मीडिया वॉल में नीचे एक कंसोल बॉक्स दिया गया, सेंटर में वॉलपेपर इंपोर्टेड वॉलपेपर, बॉर्डर पे वुड वर्क किया गया। व्यूअर्स इसके सामने किचन के साथ वाले बेडरूम में इंटर हो जाते हैं, सॉलिड 8 फीट हाइट इसके डोर हैं, यहाँ पे दो विंडो दी गई हैं, खूबसूरत व्यू दे रही हैं। साइड पे वॉल पे वॉलपेपर इंपोर्टेड वॉलपेपर, दो लैंप लगाए गए हैं। ऊपर अगर सीलिंग की बात करें, स्पोर्ट लाइट, सीलिंग स्पोर्ट लाइट, बैक लाइट यूज़ की गई है। साथ ही इसका किचन सॉरी वॉशरूम, वॉशरूम का भी आपको विजिट करवा देते हैं। ये वॉशरूम सामने 8 फीट हाइट डोर दिए गए हैं, सॉलिड डोर दिए गए हैं, यहाँ पे मोज़ेक की टाइल यूज की गई है, सामने एक विंडो दी गई है, टेम्पर्ड ग्लास यूज करके शावर एरिया इसका सेपरेट किया गया है, कंसील्ड शावर एरिया इसका। ऊपर सीलिंग की बात करें, सीलिंग में बैक लाइट यूज की गई है, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज की गई है। इस साइड पे इसका मिराची कंपनी का कमोड दिया गया और इस साइड पे इसका सॉलिड 8 फीट हाइट डोर दिया गया है। सामने वार्डरोब फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, और जिसमें हाई ग्लास एलिगेंट शीट यूज की गई है, वेंटी सेटअप मिराची कंपनी का, वेंटी सेटअप, एलईडी मिरर इंस्टॉल किया गया है, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक यहाँ पे टाइल यूज की गई है। व्यूअर्स यहाँ से हम निकलते हैं, टीवी लाउंज इसके साथ ही एक इसका बेडरूम आ गया। बेडरूम में एंटर होते हैं, सामने आपको यहाँ पे इसकी एक स्पेस दी गई है, सामने विंडो दी गई है, इस स्पेस में आप प्लांटर रख सकते हैं, कोई भी मतलब इस इजाफी यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, सामने आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन का यहाँ पर जो डिज़ाइन बना हुआ था, यहाँ से हम इधर भी इंटर हो सकते हैं। सामने
फ्रंट का आप इसका व्यू देख सकते हैं और इस साइड पे इसकी विंडो दी गई है जिस विंडो से हम इंटर हुए हैं। और यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं दोबारा बेडरूम का। सीलिंग की बात करें, सीलिंग में स्पॉट लाइट, बैक लाइट यूज़ की गई है, अल अहमद कंपनी का फ़ैन इंस्टॉल किया गया है। इस वॉल पे आ जाते हैं, लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है, दो लैंप हैंग किए गए हैं। सामने इसका 8 फिट हाइट डोर दिया गया है और वॉशरूम। व्यूवर्स, वॉशरूम में मिराची कंपनी का यहाँ पे कमोड और मजैक की टाइल यूज़ की गई है। शावर एरिया सेपरेट करके टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया है, विंडो दे दी गई है। ऊपर सीलिंग की बात करें, सीलिंग में बैक लाइट यूज़ की गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। एलईडी मिरर दिए गए हैं, मिराची कंपनी का एलईडी मिरर दिया गया, मिराची कंपनी का इसका वेंटी सेटअप फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, वार्डरोब स्लाइडिंग वार्डरोब, हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है। व्यूअर्स, यहाँ से सामने अगर हम इस साइड पे आते हैं तो इसका ये एक आपको बेडरूम लास्ट, टोटल इसमें 4 बेडरूम है। डिमांड के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, कॉल करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर हो जाते हैं इसके बेडरूम में, लास्ट बेडरूम में। व्यूअर्स, सामने विंडो दी गई हैं 2 और इस वॉल पे इम्पोर्टेंट वाल पेपर लगाया गया है। ऊपर 2 लैंप हैंग किए गए हैं। सीलिंग में सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है, अहमद कंपनी का फ़ैन इंस्टॉल किया गया है। इस साइड पे 8 फिट हाइट डोर दिया गया है और सामने वार्डरोब, वार्डरोब फ्लोर से लेके सीलिंग तक दी गई है, हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, मतलब आपको कोई आवाज़ नहीं इसकी आई इस तरह से, मतलब ये जो जब क्लोज हो रही है तो बिल्कुल स्लो जा रही है, कुछ इस तरह की होती हैं वार्डरोब। आप यूं खोलते हैं, छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ आती है, सॉफ्ट क्लोज होती हैं ये। व्यूअर, इस साइड पे इसका शावर एरिया सेपरेट किया गया, टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करके मोज़ेक की टाइल यूज़ की गई है। सामने इसका वेंटी सेटअप मिरर ऊपर दिया गया, सिंपल सा वेंटी सेटअप दिया गया। फ्लोर से लेकर सीलिंग तक यहाँ पे टाइल यूज़ की गई है, मराची कंपनी का कमोड इंस्टॉल किया गया है, 8 फिट हाइट डोर दिया गया है, फ्लोर से सीलिंग तक टाइल, और ऊपर बैक लाइट यूज़ की गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। व्यूअर्स, यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं आपको इसमें इस घर में सबसे मज़े की बात, आपको मतलब हर तरफ वेंटिलेशन विंडो मिलती हैं, काफ़ी विंडो यूज़ की गई हैं। और ये भी नहीं है कि यहाँ पे खड़े होके आपको एरिया भी बहुत ज़्यादा ओपन ओपन महसूस नहीं होता। कार्नर हाउस है, बहुत ही अच्छा हाउस बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो A+ कंस्ट्रक्शन की गई है इसकी, बहुत ही खूबसूरत हाउस बना हुआ है। व्यूअर्स, वैसे बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, फिर भी हम आपको ले चलते हैं ऊपर छत की तरफ। अगेन स्टेयर, 4 फिट वाइड स्टेयर दी गई हैं, आयरन राड यूज करके ऊपर वुड वर्क किया गया है। तो हम अभी इंटर होते हैं ऊपर, आपको ऊपर जाके हम इसका सर्वेंट रूम का भी दिखा देते हैं और साइडों से काफ़ी व्यू आपको मिल जाएगा। सामने इसका डोर दिया गया ऊपर सर्वेंट रूम के लिए। वैसे सर्वेंट रूम के लिए मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये काफ़ी अच्छा डोर है। अगर इस साइड पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे इसका स्टेयर दी गई है सर्वेंट रूम के लिए, बैक साइड पे इसका बुलेवार्ड, इस साइड पे इसकी स्टेयर सर्वेंट रूम की। बात करें तो कमर्शियल मॉस्क आपको नज़दीक मिल जाती हैं, वाटर टैंक दिया गया है, सीमेंटेड वाटर टैंक है, साथ इसका सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम में बात करें तो यहाँ पे बाथ भी दिया गया है, साथ इस साइड पे इसका नीचे मार्बल यूज़ किया गया है। बहुत ही खूबसूरत घर है, जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने का व्यू, और यहाँ से मैं आपको इसके कॉर्नर का भी, ये साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके कॉर्नर वाली साइड।
व्यूअर्स जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप दोस्तों को नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को नंबर मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं हम नीचे, डिमांड के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर हमें कॉल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा होता है डिमांड हम बाहर बता रहे होते हैं।